नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं सिरसा के जनता भवन से, आप देख रहे हैं कि दो दिन का सीएम का कार्यक्रम रखा हुआ है, एक दिन का जनसंवाद है और अगले दिन यहां से जो यात्रा है, जो साइकिल यात्रा है, वो यहां से सीएम सब हरी झंडी देकर यहां से रवाना करेंगे। और पहुंचे हुए हैं सिरसा के विधायक और भाजपा वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी जहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या रूपरेखा है, कैसा प्रोग्राम रहेगा। अगर इस प्रोग्राम की बात करें, पहले भी सीएम साहब का जनसंवाद था, वहाँ पर जो विरोध के छींटे थे वो डले थे और अब भी ऐलान है विरोध का कि विरोध होगा। तो इस विषय में क्या कहना है सिरसा के विधायक और उनके अनुज गोविंद कांडा का, बात करते हैं और जानते हैं आगे का प्रोग्राम। ये है दो दिन का जनसंवाद। जनसंवाद की तैयारियाँ लगभग आप देख ही रहे हैं कि 80-90% पूर्ण हो गई है। कुछ थोड़ा टाइम है 10-11 बजे तक का, आज रात तक और 10-11 बजे तक सारी तैयारियां हो जाएगी। और शहर में भी जनसंवाद का पहला प्रोग्राम है तो लोगों में भारी उत्साह है। सीएम साहब का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भी कल आएंगे और कल आने के बाद जो सिरसा की समस्याएं हैं, सिरसा के लिए जिन्होंने सीएम साहब ने जो काम किया है, लोग उनका धन्यवाद भी करेंगे और समस्याएँ भी बताएँगे। और काफ़ी कुछ कल सिरसा को यहाँ से स्टेज से मिलने वाला है। इससे पहले कोई आपके पास जो शिकायतें हैं लोगों की, वो जमा हुई हो खास? देखिए, मेरे पास शिकायतें किसी की भी नहीं है। मेरे पास जो काम के लिए आए हैं अभी लोग, हमारे सिरसा में ये काम होने चाहिए, वो उन्होंने दिए। और कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं तो हम धन्यवाद करेंगे, वो लोग भी आए हैं। आप मान के चलें दोनों, अगर शिकायत हमारे पास जो चीज़ें आई है उसके अंदर अगर हम लगाएं तो 50-50% है। लेकिन इसके कल काफ़ी कुछ यहाँ जनसंवाद में, पहला जनसंवाद है सिरसा का, तो काफ़ी कुछ मिलेगा। सरपंचों के द्वारा विरोध का है, आशा वर्कर के द्वारा विरोध का है, कितनी तैयारियां हैं? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है, लेकिन सिरसा शहर चाहता है कि मुख्यमंत्री आते रहें, सिरसा में सौगातें मिलती रहे, सिरसा का काम चले और सिरसा वासियों में उत्साह है। लेकिन ये काम प्रशासन का है, अभी वो देखेंगे क्या करना है। और इस तरह का कोई विद्रोह कर भी रहा है तो उसको शांति प्रिय विद्रोह करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो कुछ दे के जाएंगे और उनको लेना चाहिए, शहर के लिए अच्छी बात है। और अगर उन्होंने विद्रोह भी करना है तो चंडीगढ़ जाएँ, उनको साहब से बैठ के बातचीत करें, बातचीत से ही हल होता है। यहाँ आगे अगर उनको कोई घेराव करेंगे या कुछ ऐसी चीज़, उन चीज़ों से कोई हल तो निकलना नहीं, ये हल चंडीगढ़ में बैठ के बातों से निकलना है। आप बैठ के चंडीगढ़ बात करें और सिरसा में आएँ तो सिरसा में कुछ लें। अगर मुख्यमंत्री कोई भी है, कभी भी कोई आएगा तो कुछ दे के जाएगा, तो मुख्यमंत्री तो आने चाहिए बारी बारी के, कुछ दे के जाए, सिरसा में विकास होगा, सिरसा में काम होगा, अच्छी बात है। विपक्ष का ये कहना है कि राजनीतिक पैंतरे हैं, कोई विकास नहीं है, बार बार ऐसा। देखिए मैडम, राजनीतिक में ये चीज़ें चलती है, विपक्ष में, हम विपक्ष में भी, जो आज विपक्ष है जब उनकी सरकार थी हम उनमें भी रहे हैं। लेकिन जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं और इनकी सरकार ने किए 9 साल में, ऐसे कार्य 70 साल में भी नहीं हुए। ये आने वाले टाइम, आने वाले दिन बताएंगे आपको। अभी मैंने एक विपक्ष की बात सुनी के माते पोर्टल हटा देंगे जी। 2000 में चौटाला साहब की सरकार थी जी। जब बैट लगा था पूरे इंडिया में नहीं था, उन्होंने लगाया, आज तक तो नहीं हटा। तो यही चीज़ें आती रहती है, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, कोई पोर्टल, पोर्टल बढ़िया बात है कि आज जो जन समस्या है पोर्टल से हल होती है। आज पटवारी के पास हम भागते रहते थे फर्द के लिए, पैसे देते थे ये वो, आज घर बैठ के निकाल लो। राशन कार्ड के लिए भाग रहे थे, घर बैठ के निकाल लो। हर चीज़ों के लिए पोर्टल बन गया। आज जब गिरदावरी का टाइम आता, मुआवजे का टाइम आता, भागते रहते पटवारियों को लिखाने के लिए, पैसे देते तू मेरी इतने, आज जरूरत नहीं ना, पोर्टल पे डालो। हर चीज़ पोर्टल हो गई है, जरूरी हो गया पोर्टल। ये तो अब ये फालतू की बातें ऐसे विपक्ष करता रहता है जी। सर, साइक्लोथन करनाल से चलकर पहुँचेगी तो किस तरह की रूपरेखा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइक्लोथान, जो साइकिल यात्रा चल रही है करनाल से चलकर, कल हमारे सिरसा जिला में आई थी नैराणा गांव से, हमने भारी उत्साह के साथ उनको रिसीव किया था। उसके बाद वो कल शाम को इलाहाबाद पहुंची, आज वहां से हरी झंडी दी है, आज अभी डवाली पहुंच गई होगी और कल डवाली से चलेगी तो कल शाम तक सिरसा आ जाएगी। ये हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो नौजवान युवा साथी हैं जो भटक रहे हैं, उनको अंदर एक जुनून डालने के लिए, उनको उत्साह डालने के लिए कि आप नशा मुक्त हों,
मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है ये, उन सोच के कारण ये कर रहे हैं कि मेरा हरियाणा नशा मुक्त हो और लोगों को जागरूक करना है और जागरूक हो रहे हैं। आज मैंने सवेरे देखा कि मैं साथ चला था इलाहाबाद से हरी झंडी करने के बाद प्रतापगढ़ की पूरी पंचायत पूरे लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने हमें वहाँ बुलाकर लड्डू खिलाए, मालाएँ पहनाई और उन्होंने कहा ये CM साहब ने काम किया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। तो वो ऐसे के अंदर अगर कोई गाँव के अंदर कोई नशा बेचेगा या कोई नशा करेगा तो वो प्रशासन को बताएंगे, हमें सभी को प्रशासन को बताना चाहिए भी बच्चा नशा कर रहा है प्रशासन छुड़वाएगा, ये नशा बेच रहा है उसको प्रशासन पकड़ेगा, हम सब सारे इकट्ठे हो गए एक साथ लगेंगे तो नशा मुक्त हरियाणा होगा। 17 को सिरसा पहुंच रही है, कल शाम को सिरसा पहुंच जाएगी, 17 तो सिरसा में CM साहब रवाना करेंगे। हाँ जी सर, 2 दिन का जनसंवाद रखा गया है। 2 दिन का नहीं, एक ही दिन का है, कल का ही। हाँ जी, 6 बजे से। हाँ, 2 दिन के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी के, सिरसा आ रहे हैं और सिरसा की जनता के रूबरू होंगे और जो सिरसा में जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो लोगों के काम रुके हुए हैं, जिनकी बात आमने सामने रूबरू जनता के समक्ष बैठ के मुख्यमंत्री जी उनका निवारण करेंगे, ये बहुत खुशी की बात है। सिरसा के लिए काम जो पेंडिंग है वो हो जाएंगे सारे। सिरसा को बड़ी सौगात क्या मिलने जा रही है? वो तो हम मांगेंगे सब, आप मिलके, आप और हम सब सिरसा के हैं, आ रहे हैं सिरसा, तो सब मांगेंगे, सब कामों की बात करेंगे और हर आदमी को इस जनसंवाद में जो शहर के विकास के लिए जो काम हैं उनकी बात रखनी चाहिए मुख्यमंत्री जी के समक्ष। मैं यही कहूँगा कि अपनी बात को लेकर आएँ और मजबूती से उनके सामने रखें, शहर के विकास की बात करें, हरियाणा के विकास की बात करें। 2024 की शुरुआत मान सकते हैं? नहीं, ये तो जनसंवाद चल रहे हैं, इसमें 24 की शुरुआत की बात नहीं है जी। पूरे नशा मुक्ति को लेकर साइक्लोथॉन, हाँ, ये बहुत बहुत ही साइक्लोथॉन का जो पूरे प्रदेश में एक साइकिल यात्रा चल रही है, ये एक अच्छी सोच है, ये मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है कि युवाओं में नया जोश जागृत करने के लिए कि नशे से दूर रहें और युवा खेल कूद में और उन कामों में आगे आएं, ये एक नशे के खिलाफ जो उनकी एक मुहिम है पूरे प्रदेश में, ये एक मैं सोचता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से साइकिलें लेकर शामिल हों? देखो, मैं तो सभी से कहूँगा युवाओं से कि अपने जोश के साथ में, और ये बात का सबूत दें कि युवा खुद चाहते हैं कि हम सब नशे से दूर रहें और साइकिल यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे युवा साथी भाग लें। मेरा सभी को निमंत्रण है कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष इतने साइकिल के लोग हों सिरसा से कि पूरे हरियाणा में कहीं ना हो। थैंक यू।